खनिज निरीक्षक संजय भार्गव और पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर रामेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी की मौत के मामले में कांग्रेस ने सिर्फ बयान जारी कर खुद को अलग कर लिया, लेकिन इतने गंभीर मामले में विपक्ष गंभीर नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में पहले भी खनन माफियाओं द्वारा अधिकारियों पर हमले के मामले सामने आ चुके हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस मामले पर खुलकर सामने आना चाहिए था, हालांकि नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया दिलीप बिल्कौन को अपने निशाने पर ले चुके हैं, लेकिन थोड़े शोर शराबे के बाद सब कुछ शांत हो गया और इतना अहम मुद्दा दब गया। जब इस बारे में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उज्जैन में कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया था। मुख्यमंत्री के संबंधों के बारे में पूरे प्रदेश में जानकारी है, कार्रवाई कुछ होना नहीं। अब ये संजय भार्गव जी के मुद्दे पर पूरे उज्जैन जिला कांग्रेस ने बंद कराया, समर्थन हुआ, ये कांग्रेस की वजह से। लेकिन इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय है और मुख्यमंत्री को थोड़ा और बारीक से इसका जांच पड़ताल करनी चाहिए। क्या कारण है ये तो स्पष्ट है। हमारे भैया लोग जो है वो शिवराज भैया के बहुत खास हैं, तो अब क्या कहा जाए। यहाँ नेता प्रतिपक्ष के जवाब में ये सवाल भी उठता है कि जब मामला दिलीप बिल्कौन मुख्यमंत्री और खास तौर से भोपाल से जुड़ा था तो भोपाल में आंदोलन कर प्रदेश में चल रहे अवैध खनन और अधिकारियों पर हो रहे हमले पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया। ये एक ऐसा मामला है जो कांग्रेस को उसके राजनीतिक लाभ से हटकर गंभीर विपक्ष के रूप में आम जनता के बीच और मजबूत कर सकता है। वैसे कांग्रेस के अब तक के कार्यक्रमों और आंदोलनों पर ध्यान दें तो कांग्रेस हाथ आने वाले जनहित के मुद्दों को भुना नहीं पा रही है। वो मुद्दे उठाती है और मुद्दे कुछ दिनों बाद ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। फिर चाहे प्रदेश की सड़कों का मामला हो, अवैध उत्खनन की बात हो, बिजली का मुद्दा हो या बिगड़ती कानून व्यवस्था। बहरहाल विधानसभा चुनाव 2013 नजदीक है और कांग्रेस इसी तरह जनहित के गंभीर मुद्दों को हाथ से जाने देगी तो विधानसभा चुनाव में कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ वैष्णवी चौधरी, EMS TV न्यूज़ भोपाल।